धान की फसल पर पत्ता लपेट का नियंत्रण। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धान की फसल पर जो प्रमुख रूप से बासमती वैरायटी होती हैं, बासमती किस्मों पर सबसे ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है इस टाइम पत्ता लपेट का। पत्ता लपेट धान की फसल पर रोकथाम और उपाय, आपको हम चार टेक्निकल्स बताने वाले हैं जो न केवल पत्ता लपेट को नियंत्रण करेंगी बल्कि स्टेम बोरर पर यानी पत्ता लपेट के साथ साथ तना छेदक पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लीफ होल्डर प्रकोप के कारण हमारी धान की फसल पर लगभग 3 से 5% तक उपज में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा तना छेदक का भी प्रकोप हमारी धान की फसल पर देखने के लिए मिलता है। पत्ता लपेट कुछ इस प्रकार पत्ते को लपेटता है और उसके बाद हमारी उपज उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। पत्ता लपेट को आप किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशल हमने देखा है कि बासमती की जो वैरायटी हैं उन पर काफ़ी लंबे समय तक पत्ता लपेट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पत्ता लपेट और तना छेदक की रोकथाम करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं कारट्रॉप हाइड्रोक्लोराइड 50% 250 ग्राम प्रति एकड़, या फिर आप इसके अलावा वाइफेंथ्रीन 10% EC 200 ml स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लैम्डा साइलोथ्रीन 5% EC को 300 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा किसान भाइयों आप नूबालोरोन 5.25% प्लस इंडोक्सा कार्ब 4.5% जो कि SC फॉर्म में आती है 200 ml, इन चारों में से आप किसी का भी स्प्रे कर देंगे तो आप तनाछेदक का और पत्ता लपेट का आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी नई और लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वीडियो पाने के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।